गाइस ये वीडियो एंड तक देखें क्योंकि हमारी आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और हमारी आठवीं क्लास है फ्लावर्स के साथ, जो कि कल मैं बताई थी कि पत्तों को, यही पत्तों को लेकर हम फ्लावर्स डालेंगे। देखें यहाँ पर मैं पहले डॉट डाली, फिर उसके ऊपर आउटलाइन की, फिर उसके ऊपर डाली लीव्स को। तो लीव्स को डालने के बाद वो पूरा फ्लावर बन गया, देखें इस तरह। अब हमारा दूसरा फ्लावर है स्पाइरल, पहले डाल लें सर्कल की तरह, या नहीं तो सर्कल ही डाल के उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल फिल कर दें, फिर उसके ऊपर हम्स डालते हुए छोटे आउटलाइन करके फिनिश करें। ये भी हमारा छोटा सा फ्लावर हो गया, जो कि ये छोटे छोटे फ्लावर हम अरेबिक डिज़ाइन में यूज़ करते हैं और इंडियन डिज़ाइन में भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम अरेबिक डिज़ाइन में इसको इस्तेमाल करते हैं। देखें ये भी हम पहले स्पाइरल डाल लें, फिर उसके ऊपर बड़े हम्स डालकर उसके अंदर पूरा फिल कर दिए। यहाँ पर भी मैं सबसे पहले स्पाइरल डाली, फिर उसके ऊपर पत्तों को पूरे अतराव से पत्तों को फिल करके उसके अंदर करूँगी शेड। लाइट से आउटलाइन कर लेना है, कल भी बताई थी, पहले आउटलाइन लाइट से कर लें, फिर उसके अंदर शेड करें। शेड करने के बाद उसके ऊपर आउटलाइन डार्क करें, फिनिशिंग के साथ आहिस्ता करें। जल्दी करेंगे तो वो पूरा फ्लावर बिगड़ जाएगा। देखें इत्मीनान से इस तरह आउटलाइन फिनिश करें, सिर्फ ऊपर की नोक को, पत्तों की ऊपर की नोक को डार्क करें। अब हमारा पांचवा फ्लावर है जो सबसे मैं पहले डाल ली स्पाइरल। स्पाइरल के ऊपर डालूंगी बड़ा वाला हंस। देखें बड़ा वाला डाल के उसके अंदर फिल कर दें तो ये भी छोटा वाला ये भी फूल बन गया। हमारा छठवां फूल है, देखें स्पाइरल डालने के बाद मैं उसके ऊपर डाली, ये तो हर एक को आता है इस तरह डालने का, जो हार्ट की शेप का डालकर उसके अंदर शेड करने के बाद उसको आउटलाइन इस तरह करना है। अब हमारा आठवां फ्लावर है जो कि पहले इसमें भी मैं स्पाइरल डालते हुए उसको, जो लीव डालते ना पत्ते, उसी तरह पत्ते आधे आधे पत्ते डालकर उसके ऊपर एक आउटलाइन करी, फिर उसके ऊपर एक आउटलाइन करके बीच बीच में करने के बाद उसके ऊपर डार्क आउटलाइन करके फिनिश करी। गाइस हर एक डिज़ाइन आहिस्ता से डालना है, जल्दी जल्दी मत करें। देखें पहले सबसे पहले स्पाइरल डाल लें, फिर उसके ऊपर मैं थोड़े लाइन्स डार्क में लेकर जा रही हूँ, देखें इस तरह। अब हमारा नेक्स्ट फूल आउटलाइन से डालेंगे। देखें सबसे पहले स्पाइरल डाल लें, फिर उसके ऊपर करें थोड़ी थोड़ी दूर पर जो हम्स डालते ना उसी तरह थोड़ा चौड़ा करें, लगाकर एक लाइन से दूसरे लाइन को लगाकर करें, लेकिन ध्यान रहे दो हम्स डालने के बाद बीच में एक हम्स इस तरह डालें जो कि ग्रेप्स डालते ना उस तरह। ये भी हाफ वाले पत्ते का डिज़ाइन है, फिर उसके ऊपर मैं डाली फुल पत्ता, देखें इस तरह, फिर उसके ऊपर शेड करने के बाद आउटलाइन डार्क कर दें। गाइस लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। देखें इस तरह शेड करें, फिर शेड करने के बाद जो वो लाइन बिगड़ कर रहती है ना तो उसको सीधा कर लें, ऊपर से एक आउटलाइन डार्क कर दें। अब हमारा 11वां फ्लावर है जो कि वो भी स्पाइरल थोड़ा छोटा वाला डालते हुए उसके ऊपर इस तरह का लीव्स डालें। ये भी मैं लीव्स की क्लास में दिखा कर थी कि किस तरह डालते हैं हार्ट वाला, देखें इस तरह शेप इस तरह लेकर जाएं तो ये भी फ्लावर बहुत खूबसूरत दिखता है, जो कि अरेबिक डिज़ाइन में ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ ये सेम वाला पत्ता डालते हुए। शेड करने के बाद ऊपर डार्क कर दें इसको भी, देखें इसका लुक कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। इसमें भी सबसे पहले स्पाइरल डालें, फिर स्पाइरल डालने के बाद थोड़े लाइंस डार्क कर दें इस तरह, फिर उसके बाद लीफ डालकर उस पर आउटलाइन करते हुए और एक आउटलाइन इस तरह करके ऊपर को शेप दे दें फ्लावर की तरह। इसमें और भी बहुत सारे ऊपर लाइन डालेंगे तो वो बड़ा फूल बन जाएगा। ये बड़े फूल वाला भी एक क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह डालते हैं। देखें हमारा नेक्स्ट फूल सिर्फ आउटलाइन के साथ ही है,
देखें इस तरह गौर से 2-3 बार देख लें पहले, उसके बाद प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द हर एक पैटर्न आपको आ जाएगा किस तरह डालना है। देखें इस तरह आउटलाइन कर लें। जब अंदर डालते हैं तो वो लाइट से होना चाहिए, वो ऊपर का हमारा डार्क होना है। जब अंदर भी डार्क कर देंगे तो ऊपर से जब डार्क करेंगे तो उतना लुक नहीं देगा जितना हम अंदर लाइट करके ऊपर डार्क करते हैं। देखें इसको भी सिर्फ ऊपर डार्क कर दें, फिर उसके ऊपर लीव्स डालें। देखें ये भी कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसमें भी सबसे पहले स्पायरल डालते हुए उसके ऊपर हम्स डालें, फिर उसको छोटे छोटे ऊपर वो बीच 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 से हम्स डालते हुए ध्यान रहे कि मैं किस तरीके से डाल रही हूँ और कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे एंड हो रहा है हमारा हम्स, वो गौर से देखते हुए आप डालेंगे तो अच्छे से अच्छा आप फूल डाल सकते हैं और आपको आ जाएगा 2-3 प्रैक्टिस में ही। जो मैं नुक्ते वाला बताई थी डॉट्स वाला लीव्स, तो वैसा भी आप डाल सकते हैं स्पायरल डालने के बाद, वो नुक्ता डालकर उसको ऊपर नीचे से थोड़े शेड कर दें तो इस तरीके का फूल बन जाएगा। देखें यहाँ पे मैं डॉट डालकर उसको नीचे की तरफ खींच रही हूँ, अगर ऊपर की तरफ भी लीव्स का वो फूल है ना उसको भी उसी तरह करेंगे तो वो लीव्स बन जाएगा, अगर डॉट का करना है तो इस तरह फ्लावर बनेगा। तो यहाँ पर भी मैं स्पायरल डालकर उसके ऊपर छोटा छोटा हम्स डालकर पूरा उसको फिल करूँगी, उसके ऊपर भी एक राउंड डालूंगी। देखें हम्स डार्क वाला बड़ा बड़ा वाला हम्स डालकर उसको फिनिश करी, देखें हमारा फ्लावर्स कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। आप प्रैक्टिस करें, 10 या 15 बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी कम है, अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा हाथ बैठ जाएगा और अच्छे से अच्छा आप डाल सकेंगे अरेबिक डिज़ाइन में ये सब फ्लावर्स। अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मेरा आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।